الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم محترم حضرت علامہ مولانا سید اولاد رسول شاہ صاحب کے بلا دامت برکاتہم داریہ محترم محترم حضرت مولانا عبد الرب صاحب کے بلا دامت برکاتہم داریہ قالی قاری فیض رسول صاحب کے بلا و دیگر حضرات علماء کرام لائق تقریم حاضرین مجلس خواتین و حضرات نہایت ہی مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر فقیر نے آپ حضرات کے ساتھ قرآن مجید قرآن حمید کے بہت ہی معروف اور مشہور آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے ایک متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے. دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب العزیز نبی کریم رؤوف و رحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و تحفے مجھے حق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام شرکاء محفل کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے مجھ سے قبل حضرت علامہ اولاد رسول صاحب قبلہ دامت پر خاتم العالیہ کی بھی پرمغز و پرجوش تقریر سماعت فرمائی اور بچوں کے لیے اگرچہ یہ پروگرام تھا لیکن بڑوں کے لیے بھی مفید ہے. محترم جناب سلطان صاحب نے بھی بہت اچھی طریقے سے عشق رسول کے سلسلے میں نہایت ہی گراں قدر اپنے خیالات آپ تک پہنچائے. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. جیسا کہ سلطان صاحب نے فرمایا بھی ہم تقریر کر کے چلے جاتے ہیں تو لوگ پھر ہم سے سوالات کرتے ہیں.
अगर आप इसे मंजूर करें तो आज का हम सेशन सिर्फ सवाल जवाब का करते हैं, जो आपकी जी में आए हमारे मजहब के अकीदे के मुताबिक मशरक के मुताबिक आप सवाल कीजिए, उसके जवाब आपको दे दिए जाए, या आप फरमाएं तो वक्त मुनासिब पर मैं तकरीर कर दूं। क्या राय हजरत साहब आपकी? फिर बहुत लंबा हो जाए, तो तकरीर चूंकि आपने फरमा दी तो ठीक है, तकरीर करता हूँ। जो शुभात है मैं कहता हूँ ठीक है, उसका इजाला हो जाए। मैं आपसे लोग जम के बैठे हैं, हाँ ठीक, चलिए। असल में मैं कराची से आया हूँ तो अब तक मुझे नींद की नेमत से महरूमी। कराची में आप जानते हैं 2.25 करोड़ का शहर है, कोई एक दिन भी खाली नहीं होता जिस दिन जलसा ना। और तकरीबन हम 1.5 महीना ये तहरीक चलाते हैं कि जुलूस मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायन शान तरीके से निकले। पूरी कराची में बहुत कॉन्फ्रेंस रोजाना कोई ना कोई इलाके में, उसका असर ये हुआ जैसे हमारे भाई सुल्तान साहब ने फरमाया कि निश्तर पार्क में 3 साल पहले जो बम धमाका हुआ था, अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह तबारक व तआला ने जो जहाँ बहक हुए बहुत अजीम लोग थे, बावजू हालत नमाज में अल्लाह ताला से मुलाकात कर और ऐसी हालत में उठाए जाएं कल कयामत में दिस से बढ़कर क्या नहीं, उसे बचाना था अल्लाह तबारक व तआला ने, शायद दीन का कोई काम हमसे लेना था, अल्हम्दुलिल्लाह हम बच गए। तो हमारे मुखातिब जैसे कि मैं समा देख रहा हूँ यहाँ भी और ये हर जगह शैतान हर जगह परेशान करता है, जन्नत में तक पहुंच गया तो ये अमरीका पहुंची ऐसी बरकत वाली जगह, हर जगह परेशान करता है, लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं है। तो लोग ये समझे कि एक बम धमाका 63 आदमी एक ही वक्त में लोग में अजल कर गए, लोगों के गोश्त के छीचड़े हम लोगों ने चादरों में जमा करके कब्रस्तान में दफना, लोग समझे कि अब तो मिलाद खत्म हो गया कराची। लेकिन आप यकीन जानिए कि उसके बाद में इतना अजीम शान मिलाद होता है कि कराची की कोई गली ऐसी नहीं, कोई इलाका ऐसा नहीं जो सजा हुआ ना हो। इस साल जो हमने जुलूस निकाला है तो पाकिस्तान बनने के बाद 1970 से जो जुलूस निकल रहा है, 1970 से जो जुलूस निकल रहा है, इस धमाके के बाद में इस आखिरी साल इतना बड़ा जलसा और जुलूस है कि पाकिस्तान बनने से अब तक नहीं निकला। उसकी वजह क्या है? हक की फितरत यह है कि जितना दबाया जाए उतना उभरता है, चूंकि यह हक है और हक मेरे बुलंद करने से नहीं, मौलाना के बुलंद करने, हक की फितरत यह है कि खुद बुलंद होता है, किसी के बुलंद करने से नहीं बुलंद होता। तो यह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा और जुलूस जो निष्ठा पाक और हुआ, आप इससे अंदाजा लगाइए कि अगर तमाम जुलूसों को जमा किया जाए तो 10 लाख से कम आदमी नहीं होता। सुभान अल्लाह, कहीं सुबह कहीं दोपहर कहीं शाम, तो अजीम शान अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो उससे जहाँ बहुत तो हुए लोग, लेकिन हमारे मजहब को इस माना का नुकसान नहीं पहुंचा के लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, डर गए बैठ गए, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। अब आइए, जब एक समा चल रहा है कि महफिल मीलाद और उससे मुतालिक और इस पर खर्च करने वाले शैतान के दोस्त वगैरह वगैरह, अब हम जरा इस तमाम चीजों का जायजा लेते हैं। क्या इस पर जो माल खर्च किया जाए वो जाया हो जाता है? क्या ऐसी महफिल का इनेकाद ये कहीं से साबित नहीं? ऐसा करने वाले लोग क्या कोई अजर व सवाब के मुस्तहिक भी हैं या नहीं? पहले हम आयत का तर्जुमा करें और उसके बाद किसी एक लफ्ज को लेकर हम इंशाल्लाह गुजारिश करें। इरशाद बारी ताला हुआ, लकद जाअकुम रसूलुन, बतहकीक तुम्हारे पास अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से एक निहायत मुअज़्ज़म मुकर्रम रसूल तशरीफ ले आए। मिन अनफुसिकुम, ये तुम ही में से आए। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम, तुम्हारा किसी मशक्कत में पढ़ना हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बड़ा गिरा। हरीसुन अलैकुम, तुम्हारी बहुत बहुत भलाई के चाहने वाले। बिलमुमिनीन रऊफ रहीम, और सारे जहां के मोमिनीन के लिए रऊफ और रहीम बनकर आए। ये इसका मुरादी माना है। अब इन लफ्जों की थोड़ी सी तौजी
और फिर एक उन्वान पर हम गुफ्तगु करें। इरशाद बारी ताला लक़द जाअकुम रसूल, ये क्यों नहीं फरमाया कि हमने एक बंदे को भेजा, 40 साल उनकी चलत फिरत को देखा, उठक बैठक को देखा, उनके कलाम को देखा, चलने फिरने को देखा, खाने पीने को देखा, फिर कुदरत ने तय किया कि अगर ये नबी बना दिया जाए तो गाड़ी चल जाएगी। ऐसा नहीं, लक़द जाअकुम रसूल, वो आए ऐसी हालत में कि अल्लाह के रसूल, बाद में नहीं बनाए गए। आप कहेंगे क्या किसी ने ऐसा कहा है कि ये बाद में बनाए गए? मैं हवाला देता हूं किसी के पास किताब, मैं तो मुसाफिर हूं, किताबें तो मेरे पास नहीं, लेकिन अगर कोई साथ कोई शुभा पैदा करे तो मैं उनको किताब दिखा सकता हूं, भेज सकता हूं वहां से सफे, आप तो बहुत इंटरनेट वगैरह पर ऐसे जरा हैं तो मंगाया जा सकता है। मौदूदी साहब को तो आप जानती होंगे, नाम सुना होगा, उन्होंने हुजूर की सीरत पर बड़ी जखीम किताब लिखी, उसमें इस उनवान पर वो कहते हैं कि नबी करीम अलैहि सलाम के तो वहम गुमान में भी नहीं था कि मैं नबी बनने वाला था, और कहीं खदीजतुल कुबरा को ये पता चल जाता कि मेरे शोहर नबी बनने वाले हैं तो लोगों से नजराने वसूल करती, चढ़ावे चढ़ने लग जाते। अल्लाह अकबर, ये बात अंबिया के गोया शान में चल रही थी, और फरमाइए बात, इसलिए हम इसको अर्ज करते हैं वो आए ऐसी हालत में कि अल्लाह के रसूल। फिर उसके बाद बिन अनफुसिकुम, ये तुम ही में से आए, जो हमारे सुल्तान भाई ने कहा, लोग कहते हैं भाई वो तो बशर हैं, ये हैं, यहाँ भी लोगों को मरोड़ हुई कि बिन अनफुसिकुम, ये तुम ही में से आए, तो तुम्हारी तरह इंसान है। इसमें मैं जो तफसीर फन तफसीर जिन्होंने पढ़ा है कुरान मजीद फुरकान हमीद की, ये आए बिन अनफुसिकुम हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद की क़िरात है बिन अनफुसिकुम, ये जब बिन अनफुसिकुम वो जब मीनान फसेकुम पढ़ा जाए जो कुरान मजीद की क़िरात है और जो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद की है, ये फायदा ये देगा कि इस आब गिल में रहने वालों मिन अनफुसिकुम यानी तुम में जो नफीस तरीन थे वो तुम्हारे पास तशरीफ लाए, जो सबसे ज्यादा नफीस तरीन वो तुम्हारे पास तशरीफ लाए। अजीजुन अलैहि मा अनितुम, तुम किसी मुसीबत में हो, सौबत में हो, परेशानी में हो, उन पर गिरान गुजरता। मुझे बताइए जब उन्हें खबर ही नहीं होगी तो गिरान कैसे गुजरेगा, गिरान कैसे गुजरेगा? मालूम हुआ कि हर उम्मती के हाल से वाकिफ हैं कि वो अगर परेशान हो तो प्यारे मुस्तफा पर गिरान गुजरता। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद नियत हाजरा साहिबुल हुज्जतुल काहिर अल मुय्यद मिल्लत ताहिरा मौलाना शाह अहमद रजा खान फाजले बरेली रहमतुल्लाह अलैह यूं फरमाते, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार की, अरे मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर आए, कैसे हो नहीं के खैर बशर को खबर ना भी हो नहीं सकता के प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी खबर ना। उसके बाद फरमाया हरीसुन अलैकुम, हिर्स हविस ये तो मायूब चीज है, इसलिए उलमा ने लिखा लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीस, इस पर वक्त नहीं करे, हरीसुन अलैकुम पर वक्त करे। क्या माना हुआ कि वो अपने भलाई के चाहने वाले नहीं, हरीसुन अलैकुम तुम्हारी भलाई के चाहने वाले, तुम्हारे भलाई के चाहने वाले। बिल मुमिनीन रऊफ रहीम, और हुजूर सारे जहां के लिए रऊफ रहीम बनकर आए। अल्लाह अबुल फ़ख़्र अल्लाह अबुल फ़ज़ल क़ाज़ी अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब से अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम का सिलसिला जारी हुआ किसी नबी को ये दो वस्फ नहीं दिए गए सिवाय मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रऊफ और रहीम ये अल्लाह तबारक व तआला के नाम, अल्लाह ताला रऊफ और रहीम बिज़ात, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम अल्लाह की अता से रऊफ और रहीम भी हैं। ये इस आयत के एक मफ़हूम था जो मैंने अर्ज किया। अब उसके बाद आइए, लक़द जाअकुम रसूल, बतहरीक तुम्हारे पास निहायत शान अजमत वाले एक रसूल तशरीफ ले आए। इस आयत मुकद्दसा में हुजूर की आमद का जिक्र और हुजूर अलैहिस्सलाम के चंद औसाफ हमीदा चंद औसाफ जमीला अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया। अब आइए कि हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए क्या उस दिन को मनाना नाजायज है? यानी साहब आप तो एक दिन मुकर्रर कर लिया और उस दिन को 11वीं देखो था वो 11वीं को मनाते हैं 12वीं, तो 12वीं को दिन मुकर्रर करना जो है ना ये असल में मना दीजिए। सहा सिता में हदीस मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर मदीने शरीफ जब गए तो आशूरे का दिन आया, सहाबा कराम अली मुरिदवान ने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ के यहूदी
یوم عاشورہ کو، دس محرم کو روزہ رکھتے ہیں. اور کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ اس لیے رکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم اور ستم سے نجات دی، اس لیے وہ روزہ رکھتے ہیں، ان کا دن مناتے ہیں. حضرت فرماتا ہے بہت بڑے بدعتی ہیں، بتاؤ دن مناتے ہیں وغیرہ وغیرہ. صحابہ سے فرما لو ہم اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم یہ دن منا، یعنی سارے صلوات و سلام کا دن منانے کے ہم زیادہ مستحق. فرما تم بھی روزہ رکھو. کہا حضور یہ تو مماثلت ہو جائے کہ وہ بھی روزہ رکھے ہم بھی روزہ رکھے. تو آپ نے فرما تم ان کی مخالفت کرو. کیسے؟ فرما آئندہ سال اگر ہم رہے ہم 9 کا بھی روزہ رکھیں گے اور 10 کا بھی روزہ رکھیں گے. کیا مطلب ہوا؟ کہ اگر دن منانا ناجائز ہوتا تو حضور علیہ السلام کبھی بھی ایسا نہیں فرماتے. اب آئیے میں آپ کو ایک آڑی ترچھی اردو میں سمجھاتا ہوں، آسان نظم انداز میں، جو میری جیسی موٹی عقل والے کے بھی سمجھ میں آ جائے. کہ صاحب دن منانا ناجائز، یہ بتائیے بچے کی شادی ہوتی ہے تو کوئی دن مقرر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آپ مت کیجئے گا، جو کہتے ہیں دن مقرر نہیں کرتے، آپ قاضی سے کہیے جب آپ کی طبیعت چاہے آ جائیے فرد دے کر کے نکاح پڑھانے کے لیے. اور اسی طرح آپ کیٹرنگ والے کوئی جب آپ کی طبیعت چاہے 2-4 دیگیں بریانی کے پکا کر کے لے آئیے. اور اسی طریقے سے دلہن والے کو کہیں کہ جب آپ کی طبیعت، اگر دلہن والے تو بھائی ہم جب جی چاہے آ جائیں گے، یا دولہے میاں جو ہیں جب ان کی طبیعت چاہے لڑکی والوں کے یہاں چلی جائے، کیا نکاح ہوگا؟ دولہا ہوا تو دلہن غائب، دلہن ہے تو دولہا غائب، سب آ گئے برات تو تمبو شامیانہ غائب، کوئی نہیں ہوا تو قاضی غائب. کیا بغیر مقرر کیے ہوئے کوئی کام ہو سکتا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا عزیزان گرامی. اب دوسری لوگ کیا کہتے ہیں، یہ جیسے ان کا فضول خرچی. ارے صاحب ایک ملے مجھے اور کہنے لگے یہ بتائیے مولانا صاحب، یہ جو آپ 12ویں اور 11ویں میں دیگے پکاتے ہیں تو یہ اگر اس کو یتیم اور فقیر کھائیں تو کیسا ہوگا؟ میں نے بہت اچھا ہوگا، بڑا ثواب بھی ہوگا زیادہ. تو جب انہوں نے دیکھا کہ میں نے ان کی ہاں میں ہاں بھری کہ بھی واقعی اگر یتیموں غریبوں کو کھلایا جائے بہت ثواب ہوگا، کہنے آپ کیوں نہیں کھلاتے ان کو؟ میں نے کہا اس کا جواب سنیے، اب آپ اپنے بیٹے کا ولیمہ کریں اور میں وہاں آن کر کے کہوں کہ یہ بتائیے جتنے ہٹے کٹے لوگ آئیں کھاتے پیتے، اب ان کو ولیمہ کھلائیں، آپ ان کو بٹھائیے اور ایک آدمی آپ کا واس کرے کہ یا اے مسلمانوں ہم نے ایک عالم دین سے فتوا لیا، انہوں نے کہا تم لوگ کو ہٹے کٹے کماتے ہوئے لوگ ہو، تمہیں کیا ولیمہ کھلایا جائے، ہم یہ ساری دیگیں کسی یتیم خانے میں بھیج دیتے، کسی غریب کو بھیج دیتے، کو منگنی کی دعوت وہاں دے دیں. مجھے بتائیے براتیوں میں کیسی برسات ہوگی؟ کہنے واہ کم بخت، سب کی تو بریانی پلاؤ کھا گیا، اپنا جب موقع آیا تو دیگی یتیم خانے بھیج رہا. تو آپ کو میلاد کو یتیم خانہ کیوں یاد آتا؟ آپ کو تو بیٹے کے ولی میں بھی یتیم خانہ یاد آنا چاہیے، بیٹے کی منگنی کرے تو یتیم خانہ آپ کو یاد آنا چاہیے، اس وقت آپ کو یتیم خانہ یاد نہیں آتا. میلاد کی محفل ہو تو کہتے ہیں صاحب کہ جو ہے نا وہ کیا نام ہے اس کو یتیم خانے بھیج دیا جا. اور ایک بات یہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے خود ہی چندہ کرتے اور خود ہی کھا لیتے. ارے کمبو کیا تمہیں کھلائیں بھائی، ہم لوگ چندہ کرے ہم کھا کیا تمہیں کھلائیں؟ اچھا تم نہیں کھاتے، وہ بھی سن لیے صحیح حدیث میں کیوں نہیں کھاتے. آپ اٹھا کر دیکھیں سیاح ستہ کی حدیث شریف، آپ نے آداب تام میں پڑھا ہوگا کہ بسم اللہ کر کے کھانا کھایا جائے، یہ تو کوئی اختلاف نہیں اس میں. اور اگر بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا نہ کھایا جائے تو شیطان شریک ہو جاتا ہے، کھانے میں شیطان شریک ہوتا. کیا مطلب ہوا؟ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اگر کھانا کھائیں تو شیطان وہ کھانا نہیں کھا سکتا. کیا سمجھے آپ؟ جب بسم اللہ شریف پڑھنے سے کھانا شیطان نہیں کھا سکتا تو چار قل پڑھنے میں کیسے کھائے گا؟ سورہ فاتحہ پڑھنے سے کیسے کھائے گا؟ سورہ بقرہ شریف پڑھنے سے کیسے کھائے گا؟ یہ بلا وجہ کے ٹھوکلے ہیں. اب میں آپ کو اس کا فائدہ بتا دوں، بخاری شریف میں حدیث موجود اور یہ بارہ آپ نے سنی ہوگی. اسی سے پھر ہم دوسری طرف جاتے، حضور علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ آپ نے سنا ہوگا. ابو لہب حضور کا نسب کے اعتبار سے سکا چچا، اس کی لونڈی صہبہ جس نے آن کر اسے کہا ابو لہب کو کہ تمہاری یہاں بھتیجا پیدا ہو، یہ نہیں کہا محمد رسول اللہ پیدا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری یہاں بھتیجا پیدا ہوا. اس نے اپنے انگلی کے اشارے سے صہبہ کو آزاد کیا کہ جا تو نے بھتیجا ہونے کی خوشخبری دی ہے تو میں تجھے آزاد کرتا ہوں. اس طرح انگلی کے اشارے سے آزاد کیا. حضرت عباس جو حضور علیہ السلام کے چچا، یہ بھی صحابی، ان کے صاحبزادے عبداللہ ابن عباس یہ بھی صحابی ہیں. تو انہوں نے ابو لہب کے مرنے کے بعد اسے خواب میں دیکھا، پوچھا کیسی گزری، کیا ہوا؟ کہا سب آزاد میں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے
अपनी उंगली को जब मैं अपने मुंह में रखता हूं तो मुझे ठंडक मैसर होती है और अजाब में तखफीफ हो जाती है। जहां यह हदीस लिखी, तमाम मुहद्दिसीन ने जिन्होंने शरह लिखी, बिलखुसूस शेख मौक़िफ़ शाह अब्दुल हक महउद्दी दिल्ली, फरमाते हैं कि ये बताओ, एक काफिर के अजाब में तखफीफ तो मुसलमान का क्या हाल होगा? जब अल्लाह हो तय मान से मीलाद महफिल मीलाद मना, मुसलमान का क्या हाल होगा? फरमा हाँ, एक बात है और वो ये है कि आपकी महफिल मीलाद खुराफात से पाक होना चाहिए। ये नहीं जनाब ढोल तबले बज रहे हो नाच गाना और उसमें महफिल मिलाद, या ऐसी महफिल मिलाद कि हम भी अजीजाने गिरामी कायल हैं, अगर कोई इल्जाम लगा हम इससे बरी उज़िम्मा, हमारे यहाँ मिलाद शरीफ में ऐसा नहीं हो। फरमाते सिवाय इसके कि जन्नत नईम उसका समारो और क्या हो सकता कि जो शख्स अपना हलाल तैयब माल खर्च करके महफिल मिलाद मना। इस पर आप गौर कीजिए तो देखिए, उसने खुशी मनाई थी भतीजे, और हम खुशी मनाते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसकी खुशी हमारी खुशी में कितना फर्क है। वो तो भतीजे की खुशी मना, हम तो रसूलुल्लाह की खुशी मनाते हैं, उसकी खुशी हमारी खुशी में भी अजीजान गिराम बे इंतहा फर्क है। एक बात तो आपने ये मुलाहजा फरमाई। अब आइए जो समझने की बात, जितने उलमा मशाय बर्रे सगीर ये सब के सब महफिल मिलाद करते, दो सनद है हदीस के बर्रे सगीर, एक चैनल है शाह वलीउल्लाह महउद्दीन देहलवी का और एक चैनल है हदीस का शाह अब्दुल हक महउद्दीन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का। ये दो हैं, आप देवबंदी वहाबी बरेलवी अहले हदीस किसी की भी सनद देखें आप उठाकर, तो या तो शाह वलीउल्लाह उसकी सनद में होंगे और शाह होंगे हजरत शाह अब्दुल हक महउद्दीन देहलवी। शाह वलीउल्लाह साहब को सब मानते। अब आइए जरा इनका मामूल देखते हैं कि जिनकी सनद हम लिए घूमते हैं, अगर हमारी सनद में कोई मुशरिक आ जाए, कोई बिदती आ जाए, सनद का क्या हाल होगा? हदीस तो बयान करने के लायक भी नहीं रहेंगे, सनद तो ज़ईफ़ हो गई। वो तो हम उनकी सनद में, हमारी सनद में है, हमारी तो सनद गैर मोतबर हो गई। अब आइए इनका हाल क्या है। शाह वलीउल्लाह महउद्दीन देहलवी ने अपनी किताब दुर्रु समीन फी मुबशिरात नबी अमीन में 40 बिशारतों पर ये किताब उनकी मुश्तमिल है। उसमें वो लिखते हैं और अनफासुल आरिफीन में भी है कि मेरे वालिद बड़ी पाबंदी के साथ महफिल मिलाद मनाते। एक मरतबे 12 रबीउल अव्वल का जब मौका आया तो वालिद साहब के पास पैसे नहीं, जैसे हम माशाल्लाह ताम और जनाब शीरनी वगैरह का एहतमाम करते, तो कहा 12 रबीउल अव्वल आ गई तो वालिद साहब ने जेब में हाथ डाला तो चंद टके निकले। उस जमाने में टकों में भी कुछ ना कुछ आ जाता, इतनी महंगाई का दौर नहीं। उन्होंने चने मंगा ली और चने मंगाने के बाद महफिल मिलाद हुई और मीलाद होने के बाद वो चने हाजरीन में तकसीम कर दिए गए। अब शाह वलीउल्लाह महउद्दीन देहलवी, जिन्हें अहले हदीस भी मानते, देवबंदी हजरात भी मानते, वो फरमाते मैंने अपने वालिद से सुना कि उसी रात उन्हें हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत, और वही चनों की ढेरी हुजूर की बारगाह में है और आप उस पर खुशी और मसरत का इजहार कर रहे। एक मतलब तो ये हुआ कि जनाब मीलाद मनाने के लिए कोई हजारों लाखों रुपए की जरूरत नहीं, जो मैसर हो जिक्र रसूल है असल में, असल तो महफिल मीलाद। जब जिक्र रसूल हो और हाजरीन में अगर चने भी तकसीम कर दिए जाए तो बारगाह मुस्तफा वो है कि जहां खुलूस के साथ में चने भी कबूल हो जाते। शाह वलीउल्लाह महउद्दीन देहलवी बयान करते हैं अपने वालिद माजिद का किस्सा, और दो उनकी मुस्तनद किताब मौजूद है, अनफासुल आरिफीन में मौजूद है और दुर्रे समीन में भी अजीजान गिरामी मौजूद। मालूम हुआ कि ये जो हमारी सनद के लोग हैं उनमें भी महफिल मीलाद आए। अब आइए शाह अब्दुल हक महउद्दीन देहलवी, उन्होंने किताब लिखी मसबत अमीना सुनना, 12 महीनों की फजीलत, वो रबीउल अव्वल शरीफ के महीने पर फजीलत में पूरा चैप्टर उनका एक पूरा इसमें, उसमें वो लिखते हैं कि शबे कदम हुजूर को दी गई, शबे मेराज हुजूर को दी गई, शबे बरात हुजूर को दी गई, जुमा हुजूर को दिया गया, ईदैन हुजूर को दिए गए, ये तो सब हुजूर को दिया गया, और शबे मिलाद मुस्तफा वो है कि जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम तवल्लुद हुए और तशरीफ लाए। फरमाते मैं अब्दुल हक महउद्दीन देहलवी कहता हूं कि मेरे नजदीक शबे मिलाद मुस्तफा शबे कदर से भी अफजल है। अगर आप जायजा लें तो मुझे बताइए, आप शबे
बारात भी अगर मिली है तो हुजूर के सदके में, शबे मेराज अगर मिली हुजूर के सदके में, शबे कदर अगर मिली तो हुजूर के सदके में, जुमा अगर हमें मिला हुजूर के सदके में, ईदैन अगर मिले हुजूर के सदके में, रमजान अगर मिला हुजूर के सदके में, कुरान अगर मिला हुजूर के सदके में, बल्कि हम तो ये कहते हैं रहमान भी अगर मिला है तो किसी शायर ने कहा मुस्तफा को पाया खुदा कहते कहते और खुदा मिल गया मुस्तफा कहते। ऐसा कोई आप सुन चुके कि ये कायनात इसीलिए बनाई गई। ये आप देख रहे हैं दरख्तों को देख रहे हैं कैसे कैसे दरख्त, जरा अफ्रीका की तरफ जाइए। मौलाना तो माशाल्लाह काफी अरसे मार है और हमारी पहली मुलाकात कोई गालिब 15-18 साल पहले हजरत साहब से वहीं हुई। आप चले जाइए साउथ अफ्रीका, ऐसे तरीके से ये दरख्त लगे जैसे कि इसके आर्किटेक्ट ने बड़े नक्शा बना करके लगाए। मैं श्रीलंका का हर साल तकरीबन दौरा करता हूं, वहां एक जगह कैंग, वहां आप जाइए इतनी बड़ी नुमाइश है फूलों की, कम से कम भी नहीं तो 100 एकड़ के रकबे में होगी, हर एक फूल एक दूसरे से जुदा, ऐसी कुदरत, ऐसी कुदरत की बारीकियां हैं कि आप घूमते चले जाइए। ये सब काय के लिए उस्ताद ज़मन शहीन शाह सोहन मौलाना हसन फाजले बरेलवी फरमाते हैं न क्यों आराइशे करता खुदा दुनिया के सामान। ये आराइशे है काय के लिए दुनिया के सामान में, जो बड़ी बड़ी चीजें आपको नजर आती, फरमा न क्यों आराइशे करता खुदा दुनिया के सामान में, अजी तुम्हें दूल्हा बनाकर भेजना था बज़्म इनकम, तुम्हें तो दूल्हा बनाकर भेजना थे इस कायनात का, इसीलिए ये कायनात सजाई गई तो प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीनो मिल्लत परवाना शमे रिसालत अजीम अल बरका अजीम मर्तबत मौलाना शाह अहमद रजा का फाजिल बरेलवी फरमाते उन्हीं की बू माए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन, उन्हीं की बू माए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं के रंगत गुलाब में। सब प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अजीजाने गिरामी सदका है। अल्लाहु अकबर। तो हुजूर को भेजना था इस बज़्म में, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात को अजीजाने गिरामी सजाया। तो जो कुछ मिला है वो हमें प्यारे मुस्तफा के सदके में मिला, इसलिए शेख मौकी शाह अब्दुल हक मौदी देवी कहते हैं कि गोया शबे मिलाद मुस्तफा शबे कदर से भी अफजल है। हो सकता है फतवा लग जाए लेकिन ये शेख मौकी का कलाम है, उनकी किताब मसबत अमीन सुन्नत अरबी की तसनीफ है और उसमें उन्होंने ये बात इरशाद फरमा और इसके अलावा बेशुमार बातें उन्होंने इरशाद फरमाई वो पढ़ने और देखने के लायक। आइए उनका एक हवाला हम और नकल करके थोड़ा आगे चलते। एक उनकी किताब है अखबारुल अखियार, फारसी में तसनीफ, जिन बुजुर्ग से उनकी मुलाकात हुई या किसी के मजार पर गए या जिनके वाकयात मिले, एक जखीम किताब शेख मौकिफ ने लिखी। कभी कभी तो कोई हालात ना मिले तो इतना ही दिख गया 2-4 लाइनों में ये बुजुर्ग कहां पैदा हुए, कौन से सन में पैदा हुए, विसाल कौन से सन में हुआ, कौन से शहर में इनका मजार। इससे एक बहुत बड़ी फेहरिस्त बुजुर्गान दीन की शेख मौकिफ ने अपनी जिंदगी में दी, मुल्तान के औलिया का वगैरह सब। अब ये पूरी किताब मुकम्मल हो गई, अब आइए आखिरी बात। ये किताब हमारी यहां इसका उर्दू तर्जुमा छपा, कहते हैं जादू वो जो सर चढ़ के बोले, ये छपी हमारी यहां मदीना पब्लिशिंग ने छापी है ये किताब। और इस किताब का तर्जुमा 2 मशहूर देवबंदी आलिम ने किया, एक थे मौलवी मोहम्मद फाजिल साहब, एक है मौलवी अभी नाम याद आ जाएगा आशिक इलाही बुलंद शेख, ये दोनों ने तर्जुमा किया। कराची से जो छपी उसका सफा नंबर 624 मुलाहिज़ा फरमाइए। शेख मौकिफ ने अपने बारे में कुछ अर्ज किया, मैं क्या हूँ, मेरे वालिद का नाम सैफुद्दीन, हम बर्रे सगीर में कैसे आए, बुखारा से हम नकल मकानी करके यहाँ आए, मेरे तालिब इल्मी का दौर ये था, मैं सबक याद करने में कभी कभी चराग जलता ही लाइटी तो थी नहीं, कई मरतब ऐसा हुआ कि झुक कर किताब का मुतालिया करते करते मेरे बालों में आग लग गई, मैंने क्या पढ़ा कैसे पढ़ा सब अपने हालात लिखते हैं। मुजद्दिद अल-फिसानी से मेरी मुलाकात हुई, क्या क्या मामला हुए, उनका सन विसाल है 1052 हिजरी, यानी कोई 100 साल के भी नहीं, 1052 हिजरी उनका विसाल। तो वो सारे वाकयात लिख करके कहते हैं ऐ अल्लाह शाह अब्दुल हक के पास तो कोई ऐसी चीज ही नहीं जो तेरे दरबार में पेश करने के लायक, यानी कि सामान्य मकरत कोई, हालांकि उनका इल्मी काम मौलाना से पूछिए, बर्रे सगीर में जब मुसलमानों की जबान फारसी थी तो फारसी में कोई सीरत पर किताब नहीं थी हिंदुस्तान, सबसे पहली तसनीफ फारसी में सीरत पर शेख मौकी शाह अब्दुल हक मोहम्मदी देलवी के मदारिज नबुव्वत 2 बड़ी जखीम जिल्दों में अजीजाने किराम। इसके अलावा फारसी में कोई शाह किसी हदीस शरीफ की नहीं मिलती,
शाह अब्दुलहक मौलवी देवी रहमतुल्लाह अलैह ने मिश्कात शरीफ की शराह फारसी में, हालांकि मिश्कात शरीफ तो जमाही इमाम शाफी के मजहब पर हुई, लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु के मजहब को मनूज रखते हुए फारसी जबान में जनाब मिश्का शरीफ की शराह भी शेख मुहक्किन ने की। और ऐसी कई किताबों को मुसन्निफ हैं, कुछ जाया हो गई, कुछ नवादरात जो हैं वो लाइब्रेरी में रखे हुए हैं, जैसे लमा वो भी एक मिश्का शरीफ की शराह है, लेकिन पूरी छप नहीं सकी। वर एक आदमी जब कोई किताब लिखता है तो सोचता है कि इससे मेरा मगफिरत का सामान होगा, बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं कहना। कोई हदीस की शरीफ की शराह लिखे तो लिखने का एक माना ये होता है कि बारगाह रिसालत में कबूल हो जाए तो हमारे शफात का बायस बन जाए। शेख मौफी ये भी कह सकते थे कि अल्लाह मैं तेरे दरबार में मिश्का शरीफ की शराह पेश करता हूँ, मैं तेरे दरबार में सीरत नबी पर जो किताब लिखी मैं उसे पेश करता हूँ, लेकिन उनका आजज इनके सारी कहते हैं अल्लाह कोई भी चीज अब्दुल हक के पास ऐसी नहीं जो तेरे दरबार में पेश करने के लायक समझू, मगर हाँ एक चीज मेरे पास है वो जो यकीनन तेरी बारगाह में कबूल होगी, और वो क्या है, क्या है? किताबों का किसी का नाम नहीं लिया, कहते हैं वो एक बात जो तेरे दरबार में कबूल होगी वो ये है कि महफिल मीलाद के वक्त में खड़े होकर सलाम पढ़ता, महफिल मीलाद के वक्त में खड़े होकर के सलाम पढ़ता। अब मुझे बताइए शेख मुहक्किक अगर उनसे सनद मिले तो उनका ईमान तो ये, उनका अकीदा तो ये कि वो तो अपनी सारी जखीम किताबों को छोड़कर फखर किस पर करते, इस पर करते हैं कि अल्लाह ताला मैं महफिल मीलाद में खड़े होकर सलात व सलाम पढ़ता। और उसके बाद कहते हैं वो क्या जगह है महफिल मीलाद के अलावा कहीं और बरकतों का नुज़ूल होता, क्या मतलब हुआ कि जहां महफिल मीलाद हो वो सबसे ज्यादा बरकतों के मुस्तहिक जगह, सबसे ज्यादा बरकतें अजीजाने गिरामी नाजिल होती। और ये तो प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र है, सालेहीन के जिक्र से गुनाह माफ होते हैं, तो ये तो प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इनका जिक्र जो है वो किस तरीके से बेफायदे होगा। अजीजाने गिरामी हुजूर अलैहि सलाम का जिक्र, किसी शायर ने कहा ना कि जिक्र हबीब कम नहीं वसले हबीब से, जब हुजूर का जिक्र करो तो ये भी दीदार मुस्तफा से कम नहीं है कि हुजूर की सीरत ये है, हुजूर का चेहरा ये था, हुजूर का किरदार ये था, ये भी दीदार पाक के मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतरादिफ है कि जब हुजूर की सीरत को बयान किया जाए, हुजूर के पैदाइश को बयान किया जाए वगैरह वगैरह। गरज ये कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का महफिल मिलाद इन समरात का हामिल है। अजीजान गिरामी अगर इसको समझा जाए तो उसमें ये बरकतें हैं, और जो बड़े बड़े बुजुर्गान दीन जो हैं वो इसको अंजाम देते। शेख मुहक्किक ने ये भी तहरीर फरमाया कि ज़माने कदीम से रिवाज चला रहा कि मक्का मुकर्रमा में जहां नबी करीम अलैहिस्सलाम की जाय पैदाइश है तमाम लोग इसको घेर लेते चारों तरफ, और खूब महफिल मीलाद होता, खूब लोग सब खैरात करते, ज़माने कदीम से चला आ रहा। और ये बात भी कही और ये भी सुन लें कि यह 12 तारीख को होता, लोग इसमें शुबा पैदा करते हैं, सारा 12 तारीख को तो हुजूर का विसाल भी, तो 12 तारीख को तो हुजूर अलैहि सलाम पैदाइश भी है, तो आप तो विसाल के दिन हुजूर अलैहि सलाम को सलाम का दिन मनाते, अच्छा हम ऐसा कर लेते एक दिन तुम मनाओ एक हम मनाए, चलो कोई इस तरीके से कोई मामला कर लिया जाए। अल्लाह अकबर, कहते हैं साहब ये तो विसाल भी उसी दिन है, विलादत उसी दिन, तो ये जमाने कदीम से चला आ रहा 12 रबीउल अव्वल के जिसमें लोग जाए पैदाइश प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में उसके गिर जमा होकर महफिल मिलाद मनाया करते थे। ये सैकड़ों बरस से चला वो दिन पीर का दिन था जिसमें विलादत हुई, लेकिन ये 12 तारीख को मनाते, इसलिए पता लगता है थ्रू प्रॉपर चैनल ये बात चली आ रही है कि हुजूर अलैहि सलाम की विलादत जो है वो 12 तारीख को हुई, इसलिए 12 तारीख को हम और आप जो है वो अजीजान गिरामी महफिल मिलाद जो है वो मनाते। अब आइए ये जो फरमान लकद जाअकुम रसूल, जैसा पहले मैंने आपसे अर्ज किया वो आए ऐसी हालत में कि अल्लाह के रसूल हैं, और जब वो आए हम और आप क्या शुक्रिया अदा करेंगे जो हुजूर ने हम पर करम फरमाया, वो एक अलग उनवान, कभी इंशाल्लाह उसे उनवान बनाकर हम गुफ्तगू करें। जब हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, हर बच्चा जब पैदा होता रोता हुआ पैदा होता, आप डॉक्टरों से पूछिए जहां जजगी के केस होते हैं, बच्चा अगर ना रोए सारा रूम हरकत में आ जाता है कि शायद लगता है बच्चा नॉर्मल नहीं है, मामूल के मुताबिक नहीं है, बच्चा रो नहीं रहा, कुछ हिलाते हैं उसको जुलाते हैं, बच्चा रोने लग जा, जब रोए तो इस बात की अलामत है कि बच्चा की पैदाइश जो है वो सही है, अगर ना रोए सारे डॉक्टर परेशान हो जाते। और मिश्कात शरीफ में हदीस है बच्चा रोता क्यों,
जब उसकी पैदा बच्चे के रोने का सबब यह है कि उसे शैतान छूता है, शैतान के छूने के असल से बच्चा रोता है। और पहला काम बच्चे का यह होता है कि वो रोए, और ये उसकी अलामत भी होता है कि सही पैदा हुआ, रोता है शैतान के असर से। हुज़ूर अलैहिस्सलाम रोते हुए पैदा नहीं, रोते हुए पैदा नहीं, शैतान कैसे छू सकता है हुज़ूर अलैहिस्सलाम। बाज़ अहमकों ने यह भी कहा कि शैतान के मकर व कैद से अंबिया किराम अलैहिस्सलाम भी जो है वो महफूज ना रहे, ये कहा लोगों ने इस बात। लेकिन अहले सुन्नत जमात का अकीदा यह है, ऐलान नबुव्वत से पहले सारी जिंदगी उसमें उनसे कोई खता सरजद नहीं होती, और ऐलान नबुव्वत के बाद भी वो मासूम है, उसे कोई खता सरजद नहीं होती। अहले सुन्नत व जमात का मजहब, और अकाबिर उलमा ने अजीजान गिरामी यही लिखा है। और तफसील अगर जानना चाहें अल्लामा काजी अयाज रहमतुल्लाह की किताबु शिफा, और तफसील जानना चाहें अल्लामा शाहरुद्दीन खिफाजी की शरह पढ़ी, और तफसील जानना चाहिए तो अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह की शरह मुलाहजा फरमाई शिफा शरीफ की, सब आपको मिल जाएगा। हुजूर की तरफ किसी भी ऐब की निस्बत करना जो है वो अजीजाने गिरामी मना। अच्छा फिर हुआ ये कि मैं तफसील से नहीं अर्ज करता, एक मरतबे हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अबू हुरैरा ज़कात के माल पर उनको पहरेदार बनाया, शैतान आ गया चढ़ाने के लिए। जब आया तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह उसको पकड़ ले, पकड़ने के बाद कहा मैं तुझे हुजूर के दरबार में ले चलूंगा। वो गिरिया करने लगा, रोने लगा कि छोटे छोटे बच्चे अयालदार वगैरह वगैरह, अरे जिनके गुलामों का ये हाल के शैतान को पकड़ ले तो रोने लग जा, वो गिरिया गुजारी कर रहा, बहानेबाजी कर रहा, अजीजाने गिरामी तो उनके आका पर दाव कैसे चल सकता। और एक मरतबे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक दफे मेरी जी में आया कि शैतान को पकड़ कर मैं मस्जिद नबी के खंभे से बांध दूं ताकि खूब लड़के इसको सताएं, कि उसके कान में उंगली डाल दा, उसके नाक में उंगली डाल दा, उसके मुंह में उंगली डाल दा, बांध देता मैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अल्लामा इमाम शतूनी रहमतुल्लाह अलैह बहादुर असरा जो सबसे मुस्तनद किताब है हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला पर यह वाकया नकल किया, हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु पर एक मरतबे शैतान ने फरेब किया, अचानक एक नूर चमका और उसके बाद कहने लगा, अरे अब्दुल कादिर जिलानी मैंने तेरे लिए तमाम नमाजें माफ कर दी। आकर मैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये पढ़ना था कि सारा नूर खत और आवाज आई कि अब्दुल कादिर जिलानी तुझको तेरा इल्म बचा गया। फरमा कम्बत जाते जाते भी धोखा देकर जाता, अगर इल्म बचा सकता तो तेरे इल्म ने तुझे क्यों नहीं बचाया, मुझे तो अल्लाह के फतह में बचाया। पता है कि जिनके उम्मतियों का ये हाल हो तो उनके आका पर शैतान का कोई दाव कैसे अजीजाने गिरामी लग सकता। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम रोते पैदा नहीं, पहला काम जो मेरे आका और हमारे आका जिनका मिलाद मना, सबसे पहला काम क्या किया, दाइयां वहां मौजूद थी, उन्होंने सबसे मुस्तनद दाई हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की वालिदा, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ वो कदावर सहाबी हैं कि अल्लाह अकबर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने इमाम जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह तारीखुल खुल्फा में लिखा, अगर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु खिलाफत का बार नहीं उठाते और मना कर देते तो तीसरे खलीफा अब्दुर्रहमान इब्ने औफ होते। और ये भी रिवायत नकल की, दोनों को अलग अलग बुलाया गया कि साहब ये बताइए अगर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला और हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को, कि ये बताइए कि अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के अगर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अनु खलीफा नामजद तो क्या आप उनकी बैत कर ले, उनका बिल्कुल मैं हजरत उस्मान गनी को पसंद कर। इसी तरह हजरत उस्मान गनी से पूछा गया, आपने कहा मैं अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को पसंद करता हूँ। सुभान अल्लाह, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अनु जो है वो खलीफा हुए और सबने उनके हाथ पर बैत कर ली। ये इतने कदावर हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, उनकी वालिदा शिफा वो भी उस वक्त वहां मौजूद थी जब हुजूर अलैहिस्सलाम तवल्लुद हुए तो आपके लबहाए मुबारक का जुम्बिश कर रहे, उसमें हरकत है। तो दाइयों ने अपने कान खुसना शिफा ने अपने कान हुजूर के दहन के करीब किए, वो फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम बारगाह इलाही में ये अर्ज कर रहे थे, या रब्बी हबली उम्मती अल्लाह मेरी उम्मत मुझे अता फरमा दे, मेरी उम्मत मुझे हिबा फरमा दे। कि सबसे पहला काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में आते ही अजीजाने गिरामी ये किया। हरचंद की ये उन्मान अलग, लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं जैसे हमारे भाई सुल्तान साहब ने इसको कोट किया, वो मुस्लिम शरीफ में भी बड़ी तफसील के साथ हदीस मौजूद है, दीगर और हदीस की किताबों में भी। इसको शायद मुहक्किक ने लिखा जो मैंने हुजूर के लबाए मुबारक का जुम्बिश कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पैदा होती हमारी फिक्र की,
हमें याद किया और उसके बाद शब मेराज वो मंजिल काना काबा कौसैन औ अदना, इतना करीब हुआ अल्लाह तबारक व तआला से कि दो कमानों का फासला रह गया या इससे भी करीब। फऔहा इला अब्दिही मा औहा, फिर अल्लाह तआला ने जो चाहा अपने हबीब अलैहि सलाम पर वही फरमाई, वही का जो फरमाई कोई तो कोई जान ही नहीं सकता कि क्या कलाम हुआ, क्या खुफिया बातें थी, क्या क्या अपने हबीब अलैहि सलातो सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम फरमाया, ये तो कोई कोई जान ही नहीं सकता। अज़ीज़ाने किराम, मिश्का शरीफ में एक हदीस है कि हुजूर अलैहिस्सलाम एक दिन कुछ ताखीर से तशरीफ ला, शरह में ये लिखा है कि शायद ये मेरा जो नबी की शब है कि आप कुछ ताखीर से तशरीफ लाए, तो वो कहा रब ने मुझसे रात में ये पूछा कि फरिश्ते किस बात में नजा करते, मैंने कहा अल्लाह ताला तू बेहतर जानता, फिर अल्लाह ताला ने मेरे दोनों शानों के बीच में अपना दस्ते कुदरत रखा तो जो कुछ कायनात में था मुझ पर रोशन हो, जो कुछ कायनात मुझ पर रोशन होगा। फिर रावी कहते हैं हुजूर ने ये फरमाया कि अल्लाह ने दस्ते कुदरत मेरी पुश्त पर रखा तो जो जो कायनात मुझ पर रोशन हो गया। फिर हुजूर ने ये आयत तिलावत की, सुभानअल्लाह पूरा मफहूम समझ में आ गया। कहा फिर हुजूर ने ये आयत तिलावत के वक़्त दाले का नूरी इब्राहिम मलकूत समावात वल अर्ध, इसी तरह हमने इब्राहिम अलैहि सलाम को मलकूत समावात वल अर्ध का मुशाहदा कराया था, समझे, तो सारी चीजें रोशन हुजूर अलैहि सलाम पर हो गई। और क्या क्या बताया गया इमाम अहले सुन्नत की जबान से सुनिए कि क्या क्या मुनकशी हुआ और क्या हुआ, कौन बता जिसे फरमाते ना अर्शे बरी ना लौहे मुबी ना रूहे अमी, अजी कोई भी कहीं ना अर्शे बरी ना लौहे मुबी ना रूहे अमी, कोई भी कहीं अजी खबर ही नहीं जो हमसे खुली अजल की नेहा तुम्हारे, कोई बता ही नहीं पाएगा, कोई नहीं जान पाएगा कि कौन कौन से रुमूज हुजूर अलैहि सलाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुनकशी फरमाया। हाँ, कुछ बातों का तस्करा हमें किताबों में मिलता है, वो ये है कि फरमाया अस्सलाम अलैका अय्युहन नबियु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, हुजूर अलैहि पर सलाम रहमत और बरकत नाजिल फरमाई। तो देखिए हर चंद के अल्लाह तबारक व तआला के तजलियात में मशगूल है, दीदारे बारी ताला कर रहे, जैसे हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की हदीस है कि हुजूर अलैहि सलाम ने शबे मेराज दो मरतबे अल्लाह का दीदार किया, एक मरतबे पेशानी की आंखों से और एक मरतबे दिल की आंखों से, और इस पर मुल्ला भी कारी ने हाशिया लगाया। सुभान अल्लाह, फरमाते हैं कि दिल की आंखों का क्या मतलब हुआ, फरमा बात यह कि जैसे अल्लाह ताला ने आंख में सलाहियत दी कि देख रहा है, उस वक्त अल्लाह ताला ने यह सलाहियत दिल को अता फरमा दी, क्यों दिल की आंखों से देखने का मतलब खाली उर्फ में नहीं जैसे हम कहते हैं दिल की आंखों से देख, बल्कि दिल में वो आंख अता फरमा दी जिससे अल्लाह तबारक व तआला का दीदार हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किया। जब आदमी को अपनी महबूब कोई चीज मिल जाए, आदमी की फितरत बहुत सारी बातें भूल जाता, दीदारे बारी बारी ताला से बढ़कर कोई नेमत अज़ीज़ाने गिराम नहीं हो सकती। लेकिन जब रब्बे करीम ने फरमाया अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, ये हुजूर का करम है कि वाला इबादिल्लाहिस सालिहीन कहके प्यारे मुस्तफा ने हमें भी याद किया, मौला ये तेरा सलाम, ये तेरी सलामती, ये तेरी बरकत, ये नेमतें जो है मालिक करीम मेरे उन लोगों पर भी हों जो सालेहीन नेक हैं जो मेरे दामन से वाबस्ता। बताइए बारी ताला से हम कलाम होते हुए हमें ना भूलना, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की कितनी बड़ी नेमत, ये सब महफिल बिलाद की बरकत है या नहीं। सुभानअल्लाह, एक मरतब मैं यही ह्यूस्टन की बात कर रहा हूँ, किसी ने ऐसी महफिल मौलाना शेर पढ़ दिया वो आला हजरत पे सलाम का, गौसे आजम पर एक साहब मिले मस्जिद के बाहर, कहने लगे साहब ये चलो हुजूर तक तो सलाम ठीक है, ये तो गौसे आजम पर भी सलाम पढ़ रहे, आला हजरत भी सलाम पढ़ रहे, मतलब कि इसमें एक सलाम ऐसा मामला है कि पता नहीं क्या है, गोली या बम का काम करता, बिना खोजे के लोग परेशान। मैं उजलत में था, देर भी बहुत हो गई, मैंने अपना फोन नंबर उनको दिया, मैंने कहा भी तकरीबन घंटा सवा घंटे का मेरा रास्ता है, तो आप ऐसा करें कि 10 मिनट के बाद जब मैं रोड पर चढ़ जाऊँ फिर आप मुझे फोन कर लाए। उनका फोन आ गया, कहले आप बताइए साहब ये आला हजरत पे भी सलाम पढ़ रहे हैं, औसे आजम भी सलाम पढ़ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ये बताइए ये सलाम लोग नमाज में पढ़ रहे थे या बेरूने नमाज पढ़ रहे थे। कहने लगे भाई वो जो आपके यहाँ महफिल आपके तकरीर के बाद उन्होंने सलाम पढ़ा। मैंने कहा जरा अत्तहिया सुनाई, आप तो दीनदार आदमी लगते हैं, उन्होंने पढ़ा अत्तहियातुल्लाह वस्सलावातु तय्यिबा अस्सलाम अलैका अय्युन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुह अस्सलाम अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिह। मैंने कहा आप तो सारे बुजुर्गों पर सलाम पढ़ चुके नमाज की हालत, तमाम सालेहीन पर आपने सलाम पढ़ लिया नमाज की हालत में, तो मैं तो
बेहू ने नमाज उस पर सलाम पढ़ने में क्या हरज है, हालत नमाज में सलाम पढ़ने में हरज नहीं है। वाला इबादिल्लाही सालेहीन, जो हुजूर के गुलाम है सालेहीन, उन पर भी सलामती, उन पर रहमतें, उन पर बरकतें हो। तो सुभान अल्लाह, फिर वो चुप हो गए। अच्छा जी, अब बात समझ में आ गई। मैं लगता कोई समझदार आदमी थे, बात उनकी समझ में आ गई। बहुत से लोगों के तो अभी तक अजीदाने गिरामी समझ में नहीं आई। अच्छा, हमने एक मरतब यहाँ भरपूर अंदाज में सलाम ही पर गुफ्तगू की। अब लीजिए कुरान मजीद फुरकानी, चंद आयतें आपके सामने हम रखते। ये देखिए, अल्लाह तबारक व तआला, हम और आप, अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों पर सलाम भेज रहा। इरशाद बारी तआला हुआ, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, तमाम आलम नूह अलैहि सलाम पर सलाम। सलामुन अला मूसा व हारून, मूसा और हारून पर सलाम हो। ये देखिए कुरान मजीद फुरकान, अल्लाह तबारक व तआला अपने जो अंबिया हैं, नेक बंदे, उन पर अल्लाह तबारक व तआला सलाम। सलामुन अला इलियासी, उन पर भी सलाम। अब कहे नबी आए, कहे रसूल आए, कितने पर सलाम भेजेंगे आप? मामला तो गड़बड़ हो जाए। रब्बे करीम ने फरमा, चलो मैं तुम्हें मुख्तसर तरीका बताता हूँ। सलामुन अलल मुरसलीन, सारे मुरसलीन पर सलाम। तबारक व तआला की सलामती, सुभान अल्लाह। एक दूसरे से मिलते हैं तो सलाम करते हैं, तो गोया हुजूर अलैहि सलाम के बाद उन पर सलाम पढ़ने में लोगों कलाम आइए। सारे देवबंदी हजरात जो दुरूद और सलाम को मना करते हैं, इनके पीरो मुर्शिद हाजी इमदादुल्ला महाजिर मक्की साहब, उनकी किताब मुलाहजा फरम फैसला हफ्त मसला मुलाहजा फरमाई, वो कहते हैं कि लोग महफिल मीलाद को मना करते हैं, फकीर का मशरब ये कि हर साल अपने घर पे मुनक्किद करता। लोग खड़े होकर सलाम पढ़ने को मना करते हैं, फकीर को कयाम में बड़ा लुत्फ आता। जब कयाम करके सलाम पढ़ा जाए तो फकीर को बड़ा लुत्फ आता। ये सारे बड़े बड़े लोग आप यही करते रहे क्या? बल्कि हमारा तजुर्बा कराची का ये है कि ये लोग सब ये करते हैं, पांच साल तक पता ही नहीं लगता कि कौन सी जमात का, दस दस साल तक पता नहीं लगता कि ये क्या है। और दुरूद शरीफ सलाम सब पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में फिर पेट में से पैर निकाल कर कुछ शुरू हो जाएंगे, देखो ये जरा सही नहीं, ये सही नहीं, ये सही नहीं। ऐलान वाबीर 15-15 साल के बाद करते, 20-20 साल के बाद अजीजाने गिरामी करते, तो ये देते हैं धोखा बाजी कर खुला। इकबाल कहता है, लिबास खिजर में यहाँ सैकड़ों रहजन भी फिरते हैं, अगर कोई ख्वाहिश है तो पर कुछ पहचान पैदा कर, यानी पहचान पैदा करें कि जिससे आप समझ जाएं। अब इन ऐसी सुतरी महफिल जिसमें सिवाय जिक्र मुस्तफा के क्या होता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कर रहा था वहां भी शबे मेराज हुजूर अलैहि सलाम नहीं भूले। अब एक जायजा पैदा हो, हमें नहीं भूले शबे मेराज नहीं भूले। अब आइए मदारे नबूवत की दूसरी जिल्द उठाई, हजरत कुसम इब्ने अब्बास, जो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के भाई और हजरत अब्बास के साहिबजादे, हुजूर अलैहि सलाम के चचाजाद भाई, सगे चचाजाद भाई। आपने देखा होगा कि कब्र में जब मय्यत को उतारा जाता है तो एक आदमी कब्र में उतरता, कमर का बंद खोलता, चेहरा मकशूफ करता है ताकि जो अईजा करबा है वो आखिरी दीदार कर लें। जब हुजूर अलैहि सलाम को अपनी कब्र अनवर उतारा गया और इसके रावी कुसम इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जब सब लोग देख रहे थे मैं कब्र में था, सब ने जब जियारत कर ली, आखिरी में मैं हुजूर अलैहि सलाम की जियारत कर रहा, कसम खुदा कि मैंने देखा कि हुजूर कब्र में विशाल हो गया लेकिन आपके लबहाए मुबारक में जुम्बिश है, होंठ मुबारक आपके जो है वो हिल रहे हैं। तो मैंने सोचा हुजूर का तो विशाल हो गया और होंठ मुबारक हिल रहे, मैंने सोचा कि अपने कान हुजूर के दहन हुजूर के मुंह पर रख दूं, ये तो देखूं क्या फरमाए। कहा मैंने अपने कान हुजूर अलैहि सलाम के करीब किए तो मैंने देखा कि हुजूर कब्र में भी ये फरमा रहे। रब्बे करीम की बारगाह मुंतजी थे, या रब्बी हमली उम्मत, या फायदा हो हमें ना भूले, विशाल हो हमें ना भूले और शबे मेराज हमें ना भूले, तो कल कयामत में कैसे भूले। कल कयामत में भी अजीजा ने गिरामी हमारी मगफिरत का जरिया यही होगा। और मिश्का शरीफ बाबू तशहुद के बाद दुरूद शरीफ का बाब, उसे मुलाहजा फरमाइए। फरमाया कल कयामत जो 50,000 साल का दिन होगा, अल्लाह अकबर, सूरज सवानेजे पर, जमीन तांबे की होगी और जनाब तपिश इतनी होगी कि जो जो नाफरमान है, काफिर है, मुशरिक, वो पसीने में ऐसे डूबेंगे, कोई कमर तक, कोई यहां तक, कोई यहां तक, बल्कि कोई कोई तो कानों तक पसीने में डूब जाए। अल अतश प्यास प्यास की सदा बुलंद होगी। और उस मौके पर कोई आदमी हुजूर के करीब पहुंच जाए, इससे बढ़कर के अजीजाने गिरामी कोई बरकत है, कोई सादत है इससे बढ़कर? फरमा सुनो, कल कयामत में मेरे करीब वो होगा जो मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद पढ़ने वाला।
جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا کل قیامت میں وہ مجھ سے زیادہ قریب ہوگا. اور اس کو اگر آپ دنیاوی انداز میں سمجھیں تو اس سے اور لطف آئے گا. کوئی آدمی, میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں آپ کو مثالیں, کوئی آدمی وزیر اعلیٰ سے ملے, صبح اخبار میں فوٹو چھپ جائے کہ وزیر اعلیٰ کے برابر میں بیٹھا ہوا, تو کم سے کم ایک درجن اخبار خرید کر بغل میں دبائے گھومے گا, بھائی آج اخبار دیکھایا, کیا ہوا, دیکھا ہی نہیں تم, یہ دیکھا وزیر اعلیٰ کے برابر میں بیٹھا ہوا, دیکھا رہے تم. بعض وزیر اعلیٰ ایسے ہیں کہ جن کو ابھی تک پولیس تلاش کر رہی ہے ہمارے پاس. یہ عہدے بڑے غیر مستقم قسم کے ہوتے ہیں. تو کہا کہ بھائی دیکھو وزیر اعلیٰ کے برابر بیٹھا, کوئی وزیر اعظم سے مل لے وہ تو معراج سمجھتا. کہا تم نے دیکھا نہیں آج اخبار, دیکھو وزیر اعظم کے برابر بیٹھا. ارے یہ دنیاوی عہدے داروں کے برابر چلا جائے آدمی تو کولا نہیں سماتا, اور جو پیارے مصطفیٰ کے قریب پر ہوں اور وہ بھی کہاں, یوم حشر قیامت کے دن جو حضور علیہ السلام کے قریب ہو, کتنی بڑی عزیزان گرامی سعادت. تو یہ کون ہوگا؟ فرما جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھنے والا ہے وہ کل قیامت میں سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا. اس لیے اہل سنت جماعت کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں غمی ہو تو محفل میلاد, کوئی خوشی ہو تو محفل میلاد. غم میں کیوں ہوتا؟ تاکہ غم میں محفل میلاد ہم اپنے وہ آدمی جو دنیا سے چلا گیا اس کے مغفرت کا سامان کرنے کے لیے محفل میلاد منعقد کرتے ہیں. خوشی شادی بیاہ کا موقع تو محفل میلاد کیا ہوتا ہے کہ خوشی میں ذکر رسول شامل ہو جائے اور اس کا انجام جو ہے بخیر و خوبی اپنے انجام تک پہنچ جائے. ہر موقع پر عزیزان گرامی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت, حضور ادب احترام اپنے دل میں بسائیے, محفل میلاد میں شرکت, حضور علیہ السلام کا ذکر سنیے, اپنے گھر میں حضور کا ذکر کیجیے, اپنے بال بچوں میں حضور کی محبت جو ہے وہ پہنچائیے تاکہ آپ کے بعد بھی چراغ سے چراغ جلتا رہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ ہم وقت بھیجتے رہیے. جب آپ بیٹھے ہوں تلاوت وغیرہ کے بعد جتنا وقت ملے حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھیے کہ وہ وقت وہ ہوگا کہ جس میں کوئی کام نہیں آئے گا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عزیزان گرامی ہماری مغفرت کا سامان کرے. آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. آگے سوالات مختصر کر دی جاتے, چلو بس کسی کو مختصر کر دیتے ہیں کیونکہ ٹائم بھی بہت ہو گیا, پونے 11 بج گئے. بہرحال حاصل کلام جو تھا وہ میں نے عرض کر دیا, ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت عقیدت اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام جو شفقت و مہربانی ہم پر فرمائیں گے, یقیناً اپنے غلاموں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقیناً شفقت اور مہربانی فرمائیں گے. بس یہ یاد رکھیے گا کہ جب حضور سجدہ شفاعت کریں اور اپنے غلاموں کی مغفرت کا سامان کریں تو سامان تو مغفرت کا ضرور ہوگا, مگر اس کے لیے ہوگا جس کا نام حضور کے غلاموں میں تو اس فہرست میں تو پہنچ جائے. کوشش کیجئے کہ اپنا نام پیارے مصطفیٰ کے غلاموں کے فہرست میں درج ہو جائے تاکہ کل جب حضور علیہ السلام سجدہ فرما کر اپنے امتی کی مغفرت چاہیں گے ہمارا نام حضور کے غلاموں میں ہوگا, اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت کرے گا. اور غلاموں میں نام کیسے ہوگا؟ حضور کی اطاعت کی جائے, فرما برداری کی جائے, نماز پابندی سے پڑھیں, روزہ پابندی سے رکھیں, سج بولیں. یہ باتیں اپنے اہل و عیال تک اور امریکہ میں یہ اور بہت زیادہ. جب لوگ پوچھتے ہیں امریکہ اور پاکستان, ہم اسے برا مت مانیے, حق ذرا کڑوا ہوتا, ہم کہتے ہیں بھائی پاکستان امریکہ میں فرق یہ ہے کہ وہاں جان خطرے میں یا ایمان خطرے. وہاں آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے تو پتہ نہیں لگتا واپس آئے گا نہیں آئے گا, جو دیکھ رہے ہیں آپ حالات وہاں اسی قسم کے ہیں یا نہیں ہے, اور یہاں ایمان خطرے میں. اور یہ تو ایک یہاں کے اسکالر نے بتایا, مولانا آپ آئے پاکستان آپ بچ گئے, آپ کے بچے 50% ہو جائیں گے, آپ کے پوتے 25%, چوتھی نسل تو ہماری, یہ دعویٰ کرتے ہیں. اس لیے ہماری یہاں بہت گویا ذمہ داریاں بڑھ گئیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سلطان صاحب آپ نے بچوں کے لیے پروگرام ترتیب دیا اور جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو بچوں کی تربیت کرتے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی ان سعی کو کوشش و قبول فرما اور ہماری اس محفل میلاد کو بھی اپنے دربار میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے نجات و پروی کا سامان بنا. آمین. میں تو یہ چاہتا تھا کہ